दर्शकदा आएंगे एक बार फिर से फिल्म विलन 2 में नजर। क्या कौन सी है कैटरीना की अगली फिल्म बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस के साथ? किन बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ शेयर की कैटरीना ने फोटो? कौन करेगा टाइगर 3 फिल्म में डांस कोरियोग्राफ? हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आज की फिल्मों की। आज फिर हाजिर हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट सिमरन ग्रोवर, बॉलीवुड की फिल्मों के कुछ ताजा अपडेट्स के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और बॉलीवुड डीवा कैटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के बारे में। बात जब कैटरीना कैफ की होती है तो उसमें हर किसी को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ ही जाता है। कैटरीना कैफ है ही बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन। फिलहाल कैटरीना कैफ अपनी टाइगर 3 की टीम के साथ आउट ऑफ इंडिया है और वो अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रही है। टाइगर 3 के बाद कैटरीना कैफ की झोली में और भी कई बेहतरीन फिल्में पड़ी हैं, जिनमें गुरमीत सिंह की फोन बूथ और साथ ही साथ रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी और मनीष शर्मा की टाइगर 3 के बाद एक और नई फिल्म जीले जरा का नाम जुड़ गया है। इस फिल्म को एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म में लीड रोल में बस 3 महिलाएं होंगी, जिनमें आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ नजर आएंगी। खबर है कि ये एक लड़कियों की रोड ट्रिप पर बेस्ड फिल्म होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि टाइगर 3 की एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर की, जिसमें कैटरीना के साथ प्रियंका चोपड़ा और आलिया नजर आ रहे हैं। पोस्ट शेयर करते करते हुए कैप्शन में उन्होंने लिखा, ये मेरे दिल को खुश कर देता है, मैं इन लड़कियों के बेहद प्यार करती हूँ और एक दूसरे के साथ होना, एक साथ पल बिताने में बहुत मजा आता है। इन सभी के साथ और एक बढ़िया स्क्रिप्ट, बढ़िया डायरेक्टर और एक रोड ट्रिप, ये कैप्शन लिखकर कैटरीना ने अपनी अपकमिंग फिल्म की ओर इशारा किया है। ऑडियंस इन तीनों को एक साथ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वहीं अगर बात करें कैटरीना की फिल्म टाइगर 3 की, तो आप सभी को टाइगर जिंदा है का पॉपुलर गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत याद ही होगा। और उसके स्टेप्स भी आपको बता दें कि उस गाने को कोरियोग्राफ किया था जानी मानी डांस कोरियोग्राफर वैभवी मच ने। उस गाने में कैटरीना के स्टेप्स के सभी दीवाने हो गए थे और भाईजान ने भी खूब दमदार परफॉर्मेंस की थी। टाइगर जिंदा है में तो वैभवी मर्चेंट ने सभी गाने कोरियोग्राफ किए थे। देखना ये होगा कि क्या टाइगर 3 में भी वैभवी मर्चेंट को मौका मिलेगा एक बार फिर सलमान और कैटरीना के लिए डांस कोरियोग्राफ करने का। फिलहाल हम करते हैं कंफर्मेशन का वेट, तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है कौन करेगा डांस कोरियोग्राफ टाइगर 3 में। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज को, यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक अलविदा।